अन्नदाताओं के माथे पर चिंता की लकीरें, मन को सता रही है ओलावृष्टि की आशंका। विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित विंध्य की राजधानी रही रीवा के अन्नदाताओं के माथे पर चिंता की लकीरें सहज ही देखी जा सकती हैं। आसमान में छाए काले बादल, चल रही तेज हवाओं के बीच कौंधती बिजली को देख अन्नदाता सहम सा गया है। खरीफ के समय बाढ़ की मार झेल चुके अन्नदाता ओलावृष्टि होने पर तबाह हो जाएंगे, यही चिंता अन्नदाताओं को नागवार गुजर रही है। बेटी का विवाह, बहू का गमना, कचहरी की चिंता व साल भर के खर्च को पूरा करने के लिए अन्नदाताओं की गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई है, जिसे काटने को लेकर किसान जल्दबाजी में है, मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे भविष्य में भूसे का भी संकट उठ खड़ा होगा। गेहूं कटाई लगी है, ये मौसम के संति पानी बरसता है, इसीलिए पत्थर उत्थर तो नहीं गिरा? जब नहीं गिरा भी, पत्थर गिरा नहीं है, आधी ओधी आई है तो उड़ने लगा था, इसीलिए जल्दी जल्दी सब मौसम की खराब है। यहाँ कटाई चल रही है क्योंकि मौसम खराब है, इसीलिए हर भी आदमी लगा है, किसान हम लोग हैं तो काटने के लिए लगे हुए हैं कि हर भी काट कर पानी कल गिरा है और तेज आंधी तूफान के साथ पानी गिरा हुआ है। आज भी सुबह पानी गिरा है, तूफान के चलते बारिश के चलते आज सुबह थोड़ा नुकसान हुआ है, फसल गिर गई है, नष्ट हो गई।